गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार, वेलकम टू बैक माई न्यू एपिसोड। तो आज की ब्लॉग में दोस्तों हम जा रहे हैं हर की पौड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी बहुत दिन से हर की पौड़ी का हम दर्शन नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको करवा रहे हैं, तो चलो चलते हैं फटाफट से हर की पौड़ी हरिद्वार और आपको दर्शन करवाते हैं माँ गंगा के, और साथ में माँ मनसा देवी और चंडी देवी के भी दूर से करेंगे। अगर ये तो धुंध दिख रही है, अगर यहाँ से दिख रहा होगा दूसरी पहाड़ियाँ तो ठीक है, वरना इन पहाड़ियों की वजह से नहीं दिखेगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि धुंध यहाँ पर कल से बहुत धुंध लगी हुई है। मैं 3-4 दिन धुंध ही लगी हुई है यहाँ से, तो बारिश भी हो रही है कभी कभी, कभी कभी नहीं हो रही है, पर मौसम बहुत बढ़िया है, ऑसम वाला मौसम है, ब्लैक कमांडो ठीक है। तो मुझे डर है यार रास्ते में गाड़ी खड़ी ना कर दे, पता चला मेरा चालान कट गया। एक्चुअली मैं यार मैं हेलमेट लेके नहीं आ रखा हूँ, मेरे एक्चुअली मैं प्लान नहीं बना कि मैं, मेरा प्लान नहीं था कि मैं इधर जाऊँ, पर क्या करूँ आना पड़ा मेरे को, तो यार मुझे फिर घर जाना सही नहीं लगा। मैंने कहा धीरे धीरे मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, पर वो यहाँ से तो निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ पर रोकेंगे, ये कन्फर्म नहीं है उनका, हो सकता है दूसरी लोकेशन पर जा रहे होंगे। तो हम फटाफट यहाँ से चलते हैं और आपको लेके चलते हैं कहाँ पर, हर की पौड़ी हरिद्वार, क्योंकि हर की पौड़ी हरिद्वार में अब जो है कारोबार का सीन थोड़ा कम हो गया है, तो वहाँ पर देखते हैं किस तरह के हालचाल है, क्या क्या वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो फटाफट से चलते हैं और ब्लॉग को एंजॉय करते हैं, तब तक आप सिनेमैटिक्स चेक करें गाइस। चलो फिर सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का। तो हेलो गाइस, यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे, मतलब हर की पौड़ी भी यहाँ से बहुत दूर है, मैं समथिंग 1.5 किलोमीटर और अभी यार घाट आप देख सकते हो, जिन घाटों पे भाई साहब यहाँ ना जगह नहीं मिलती नहाने के लिए कभी, आज वो घाट इस तरह से पूरे के पूरे खाली दिख रहे हैं। और ये जो पट्टी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी हर की पौड़ी तक ऐसी दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं यार, क्राउड खत्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका क्राउड, पता नहीं लोग कहाँ चले गए, कहाँ से इतने आ जाते हैं। बाकी ऊपर दबा के बारिश चल रही है और गंगा में जो कूड़ा करकट आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट ऊपर से बह के आ रखा है, ये यहाँ का नहीं है, ये एक्चुअली में ऊपर से ही बह के आ रहा है गांव, मतलब जहाँ से जहाँ भी बारिश हो रही होगी हमारे गदेरे नदी नालों से जो ऊपर पहाड़ों सारे वो आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। यहाँ का तो तुम्हें बस सिर्फ ये पन्नियाँ मिलेंगी या पॉलीथीन, ये देख रहे आप ये है। और प्रशासन इस कूड़े करकट पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ न जाने ऐसे कितना कचरा चले गया होगा आज से पहले, ठीक है अभी ये सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, और ना ही यहाँ कोई कर्मचारी देख रहा है यहाँ पर नगर पालिका का हरिद्वार का, ये देख सकते हैं आप कूड़ा तो भाई यहाँ पर। ये है भाई अभी का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर कोई क्राउड नहीं है गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो डेली का हिसाब रहता ना उतने ही उससे भी थोड़ा कम होगा ये क्राउड, ये तो कई बार तो ऐसा होता है यहाँ पर कि भाई ज़बरदस्त रहता है यार सीन, ज़बरदस्त वाला। तो चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हरकी पौड़ी के रिवर पे, और ये देख सकते हो आप भाई साहब क्या खतरनाक, ये देख रहे हैं आप बाप कितना कूड़ा आ रहा है यार ये, मतलब ऊपर में ऊपर जो पहाड़ों में ना बहुत ही खतरनाक कांड हुआ है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई यार ऊपर, ऐसा लगता है इसको देख के बाबा। हाँ कल तक गंगा का पानी थोड़ा हल्का इससे मिट्टी वाला जो है इससे मैं दिख रहा ना आपको, इससे कम हो चुका था, बट फिर हो गया यार ये भारी, ये देखो। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं और हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं, और सामने हमारा क्लॉक टावर, तो रश तो बिल्कुल ख़त्म है, ये तो नॉर्मल रश होता है जो ना वो वाला है यहाँ पर, हरिद्वार के लोग पता नहीं कहाँ चले गए यार, समझ में नहीं आता है। आओ यार भक्तजनों आओ, आपके बिना ये हर की पौड़ी सुनी सुनी लग रही है, पानी यहाँ बहुत कम कर दिया गया है, देख रहे हो आप ये रेत वहाँ तक रहती है जहाँ तक ये पिलर लग रहे के सामने ना, यहाँ तक रहती है, पानी कम भी कर रखा है थोड़ा, पर क्या करें
पानी कम होना भी चाहिए यार, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी पानी आ जाएगा ना, तो उधर से जो है ना लोगों का नहाने का जो इन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बीच में नहाते हैं, जैसे नहा रहे हैं अभी, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा स्नाई घाट। और यहाँ भी बिल्कुल कम हो रखा है यार पानी, जो है बिल्कुल ख़त्म है, मतलब शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझ पांव रखने के लिए जगह नहीं रहती आज, देख रहे हो सामने देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना पूरा का पूरा खाली हो रखा है यार, खाली कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ, यहाँ से मैं आपको राउंड दिखा देता हूँ, तो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई, देखो। तो बोलो फिर हर गंगे जय माँ गंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शांति होनी भी चाहिए यार यहाँ पर ना, ज़्यादा अशांति भी सही नहीं होती। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और जय उत्तराखंड।